Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This video is about PPSC Zoology 2015 question paper. Uska solution with answer key aur explanation maine yahan pe add kiya hai taki especially wo student jo for the first time PPSC mein appear ho rahe hain wo apne paper ki preparation ko organize kar sake according to the questions. Aur iske liye main recommend karunga ki aap Miller and Harley Zoology ko focus kare if you are preparing for the zoology exam aur बायोलॉजी के पेपर के लिए आप लोग कोई भी इंटरनेशनल ऑथर की कोई अच्छी बुक कैंपल बायोलॉजी रेवन जॉनसन है मेडर बायोलॉजी है उसको एक दफा रीड आउट कर लें और साथ साथ एफएससी की बायोलॉजी को रिवाइज करके जाएं इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू अपीयर इन द पीपीएससी एग्जाम्स. ये 2015 के डिफरेंट क्वेश्चन हैं 100 क्वेश्चन होते हैं इनके पेपर में एमसीक्यूज टाइप्स के और इन एमसीक्यूज को ज्यादातर आप देखेंगे कि कुछ मिलर हार्ले जूलॉजी से कुछ एफएससी से और कुछ एमएससी के पोर्शन से भी जो है वो सिलेबस इसमें एडिट होता है. लाइक ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है एट साइटोकैरियोसिस इन प्लांट्स अ स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेसिकल व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम. जूलॉजी का पेपर है लेकिन इसमें पहला ही क्वेश्चन जो है वो 2015 में समहाउ बॉटनी से रिलेटेड था. लेकिन साइटोकैरियोसिस के लिए प्लांट्स में यू नो सेंट्रियोल्स तो नहीं होते यूजली लोअर प्लांट्स में लेकिन यूजली हम कहते हैं प्लांट्स में एबसेंट है. प्लांट्स के अंदर जो साइटोकाइनेसिस के लिए स्ट्रक्चर है वो बनता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एंड द स्ट्रक्चर इज लेबल्ड एज रेफर्ड एज फ्रेग्मोप्लास्ट. एनिमल्स में हम जानते हैं कि सेंट्रियोल से एस्ट्रल सिग्नल से एक्टिन मायोसिन का कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनता है. इन केस ऑफ प्लांट सेल्स गोल्जी वेसिकल्स ये सेल प्लेट बनाती हैं जो कि फ्रेग्मोप्लास्ट की फॉर्म में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में हेल्प करेगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था जिसमें चार्ली. सेकेंड क्वेश्चन वॉज अबाउट एन अल्फा हेलिक्स is the best example of dash structure of protein. So protein mein four structure level discuss kiye jaate hain is level tak. Yahan pe hum jante hain ki helical form secondary structure hai jabki straight chain mein structure given ho to hum bolte hain primary aur agar single chain globular structure banaye that is tertiary and more than one chains are involved in the globular formation globular structure formation to use hum naam dete hain quaternary structure. Question number 3 central dogma of molecular biology. Central dogma as you know that it's a key process for the expression of DNA or genes. Isme pehle DNA se RNA banega aur phir RNA se proteins ki formulation hogi. So the right answer in this case is beta. Ye key process sare living organisms mein hum observe karte hain from bacteria to mammals ki DNA se RNA kab banna aur phir RNA se proteins ka banna ye central dogma ka hissa hai. Question number 4 An enzyme dash the activation energy of the reaction. तो हमें पता है कि enzyme activation energy को low करते हैं by changing reaction pathway in multiple by using multiple mechanism जिसमें stress mechanism आती है ion exchange mechanism है. किसी भी passage way से enzyme ने reaction को जरा easy बनाना होता है. जैसे आप देख रहे हैं इस graph में without enzyme activation energy का level और with enzyme activation energy का level. इसका मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन वो एंजाइम के प्रोसेस में कम रिक्वायर्ड होगी यानी रिएक्शन इजीली प्रोसीड करेगा. क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट व्हिच टाइप ऑफ सेल यू विल प्रेफर टू टेक द न्यूक्लियस फॉर क्लोनिंग. तो क्लोनिंग के लिए हम यूजली डिप्लॉयड सेल्स ले रहे होते हैं. डिप्लॉयड सेल्स सोमेटिक सेल्स ले सकते हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स ले सकते हैं. इस केस में बी सेल्स है lymphocyte B cells, red blood cells, sperm cells or embryonic cells. But preferable option इसमें हमारे पास होनी चाहिए वो सेल जिसमें genetic material में ज्यादा potency है divide करने की. तो B lymphocyte तो आपको पता है ये plasma clone cell बना के antibodies बना रहे होते हैं बस आगे divide नहीं करते further कुछ बहुत ज्यादा. सबसे ज्यादा potency है हमारे पास यहाँ पे embryonic cells में division की. Red blood cells they are without nucleus, they do not have genetic material in case of mammals. स्वर्म सेल्स हैप्लॉइड होंगे दैट्स व्हाई प्रेफरेबल हमारे पास ऑप्शन होगी एम्ब्रियोनिक सेल्स. एक्चुअली जो डॉली शीप का जैसे ये इमेज गिवन है यहाँ पे जो क्लोन की गई थी उसमें तो उन्होंने अदर सेल्स यूज किए थे मेमोरी ग्लैंड सेल्स सोमेटिक सेल्स. लेकिन हम एम्ब्रियोनिक सेल्स को अगर प्रेफर करें तो उससे जेनेटिक मटीरियल हमारे पास ज्यादा पोटेंसी वाला या ज्यादा डिवीजन वाला अवेलेबल होगा. क्वेश्चन नंबर 6 वेयर डू यू ट्रांसफर न्यूक्लियस फॉर क्लोनिंग. फिफ्थ और सिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम क्लोनिंग पर्पस के लिए. तो जाहिर है न्यूक्लियस जो हम लेते हैं डोनर न्यूक्लियस उसको फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज एग जिसमें हमने उसका अपना न्यूक्लियस रिमूव कर दिया होता है उसमें ऐड करना होता है.
तो ई न्यूक्लिएटेड सेल में, ई न्यूक्लिएटेड जायगोट के अंदर हम जो है उसको ऐड कर रहे होंगे. सो दैट्स व्हाई इसमें राइट ऑप्शन है हमारे पास बीटा. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, अ डोनर न्यूक्लियस इज बीइंग फ्यूज्ड विद अ सेल whose own nucleus has been already removed. The nucleus of the egg cell is removed and then donor nucleus is fused with it. So here we will choose the right option, a beta enucleated egg. Question number 7 was about, with respect to the outside, the inside of the neuron at rest is, we know resting cells, all our resting cells or all cells which are in resting condition, resting state, they are more negatively charged on the inner side. जैसे कि इस डायग्राम में भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो सारा नेगेटिव स्टेट है ये रेस्टिंग स्टेट कहलाती है, और जहां पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिव स्टेट. सिर्फ दो टाइप्स के सेल्स ऐसे हैं हमारी बॉडी में जो इस रेस्टिंग स्टेट को एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, दे आर न्यूरॉन्स एंड मसल्स. क्वेश्चन नंबर 8 वाज अबाउट, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन. अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक ऑफ एफएससी बायोलॉजी इट्स -70 मिलीवोल्ट. जो पोटेंशियल डिफरेंस नोट किया गया है रेस्टिंग कंडीशन में ये होता है -70 मिलीवोल्ट, और एक्टिव कंडीशन में +40 टू +50 तक इसकी पीक जो है वो डेवलप होती है. रेस्टिंग स्टेज इज नाउन एज पोलराइज स्टेट, और आप लोग जानते हैं फिर जब ये पॉजिटिविटी की तरफ आता है तो डीपोलराइजेशन, देन हाइपर रीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन एंड अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. क्वेश्चन नंबर 9 वाज अबाउट, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ स्टेम सेल्स. कि स्टेम सेल का करेक्टर कौन सा है. दे आर सेल्फ यूनियन, यस दे आर. दे कैन डिफरेंशिएट इनटू अदर सेल्स, यस दे कैन इजीली डिफरेंशिएट इनटू अदर सेल्स, दैट्स देयर की प्रॉपर्टी. तो इसमें राइट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, इंक्लूडिंग बोथ अल्फा एंड बीटा. कि दोनों प्रॉपर्टीज स्टेम सेल्स की हैं. कि स्टेम सेल्स एम्ब्रियोनिक सेल्स को हम बोल रहे होते हैं, वो डिवाइड करके फर्दर स्टेम सेल्स भी बनाते हैं और डिफरेंशिएट करके स्पेशलाइज सेल्स की फॉर्मेशन भी कर रहे होंगे. So that's why right option is Charlie. Number 10, prions, they are made up of, you know very well, they are infectious proteins. That's why their composition is solely protein. So इसमें DNA, RNA, SS मौजूद नहीं होता. और जैसे कि यहाँ पे prions की nature shown है, एक normal protein और फिर उसमें disease protein जो prion के तौर पर act करेगी. Question number 11 was about, larvae of the sponges are called. सभी फाइला के लार्वे को भी आपने लाजमी जो है उसमें देखना है. स्पंजेस में दो तरह के लार्वे मिलते हैं एक्चुअली, एक पेरेन्काइम्यूला लार्वा और एक होता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा. स्पंजेस लार्वे दे आर रिलेटिवली यूनिफॉर्म इन देयर मॉर्फोलॉजी एंड दे आर ऑलवेज सिलिएटेड. ये पेरेन्काइम्यूला लार्वा मोस्ट कॉमन है, लेकिन सेकेंड जो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे एम्फीब्लास्टुला लार्वा, ये आपको इसमें डायग्राम में नजर आ रहा होगा, ये भी इसके अंदर जो प्रेजेंट है, हॉलो एम्फीब्लास्टुला लार्वे. क्वेश्चन नंबर 12, साइकॉन स्पंज बिलोंग्स टू क्लास. ये अब क्लासिफिकेशन की क्वेश्चंस हैं और स्पेसिफिकली आपको इसके लिए क्लासिफिकेशन में कुछ ना कुछ एग्जांपल्स को साथ लाजमी याद रखना पड़ेगा. जैसे ये टेबल आपके सामने शोन है, इट्स फ्रॉम मिलर एंड हार्ले जूलॉजी, और वहां से आप देख सकते हैं कि जो साइकॉन स्पंजेस हैं, वैसे साइकॉन स्पंजेस हेक्सिटिनिलिडा में चूज किया गया था कि इसके अंदर आती हैं. Because most of the cycon sponges, they fall over here. Ascon, leucon or cycon forms यहाँ class calcarea में भी exist कर सकती हैं. और demospongia में leucon body form ज़्यादा common है. But most of the cycon, they fall over there, hexatinellida. That's why beta is the right option in this question. Question number 13, cycon के हवाले से था, ये आपको जो cycon, ascon और leucon है इसकी body form नजर आ रही है. Simplest, ascon. More complex and most complex, these sponges are shown over here. Ascon, cycon or leucon, basic three forms. तो ये भी एक important aspect है sponges के हवाले से. ये जरूर इसमें से कहीं ना कहीं question develop हो रहा होता है sometime. Number 13, class of corals. Corals they belong to class Anthozoa. ये हमारे पास table 9.2 में Miller Harley zoology में, वहाँ पे आप देख सकते हैं Hydra, Obelia. They belong and Fasilia, they belong to class Hydrozoa. Scyphozoa में आ जाती हैं jellyfishes, specially Aurelia को mention किया गया यहाँ पे. Jellyfishes, they are included in class Scyphozoa. जबकि class Tubozoa में हमारे पास बहुत थोड़े members हैं, जो है वो Chironex यहाँ पे mentioned है. Anthozoa में आ जाते हैं sea anemones and corals.
क्लास एंथोजोआ, तो ये एंथोजोआ के मेंबर्स हैं हमारे पास। इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन होगी अल्फा। नंबर 14, द ट्रू नर्वस सिस्टम वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन, वैसे तो नर्वस सिस्टम नाइडेरियन में भी है लेकिन ट्रू नर्वस सिस्टम बोला जाता है बच्चे सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम को। दैट वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ फ्लैटवर्म्स, स्पेशली यहां पर प्लेनेरिया की डायग्राम शोन है। फ्लैटवर्म में फॉर द फर्स्ट टाइम सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम अपीयर हुआ था, तो फ्लैटवर्म्स के अंदर ट्रू नर्वस सिस्टम है। स्पंजेस में नर्वस सिस्टम है ही नहीं, नाइडेरियन में डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम है और एनालिडा में भी हर सेगमेंट के अंदर जो है वो गैंग्लिया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके अंदर भी प्रेजेंट है। नंबर 15, दीज आर द फ्री लिविंग प्लैटीहेल्मिंथस। फ्री लिविंग प्लैटीहेल्मिंथस आते हैं हमारे पास सिलिएटेड टर्बुलेरियंस, बाकी जो है वो पैरासिटिक नेचर के हैं, सेस्टोड, ट्रिमाटोड्स, जबकि जो नेमाटोड्स हैं ये तो फाइलम ही अलग है। तो फाइलम प्लैटीहेल्मिंथस के अंदर हमारे पास क्लास टर्बुलेरिया के जो मेंबर्स हैं दे आर मोस्टली फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक। कॉन्विलेटा है, प्लेनेटा है, ड्यूगेसिया है, नोटोप्लेना सॉरी, और ड्यूगेसिया, ये आपके पास फ्री लिविंग स्पीशीज सिर्फ इस मेंबर की हैं, बाकी फ्लूक्स या जो दूसरे पैरासाइट्स हैं दे आर बेसिकली एंडोपैरासाइट इन देयर नेचर। और ये हमारे पास टर्बुलेरियंस के कुछ मेंबर्स की डायग्राम है यहाँ पे, प्लेनेरिया के अलावा कुछ दूसरे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज अ कंडीशन हैविंग एडिशनल एक्स, मेल इंडिविजुअल एक्स वाई, जिनमें एडिशनल एक्स जो है वो आ जाता है 23rd pair, sex chromosome की ट्राइसोमी है 2n+1, really tetrasomy भी होती है, but 2n+1 condition 47 chromosome के साथ, ये Klinefelter syndrome है। Why is there no duplication of DNA between meiosis 1 and meiosis 2? Meiosis 1 और meiosis 2 में duplication इसलिए जो है वो DNA की नहीं होती क्योंकि S phase सिर्फ meiosis 1 से पहले आ रही है और बार बार duplication की जरूरत इसलिए नहीं है कि जब मियोसिस वन से क्रोमोसोम्स गुजरते हैं एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, तो मियोसिस वन के बाद वो ऑलरेडी डुप्लीकेटेड फॉर्म में होते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर फर्दर डीएनए रेप्लिकेशन। और वैसे भी अगर यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगी तो जेनेटिक मटेरियल हाफ नहीं होगा। दैट्स वाई टू डुप्लीकेशंस, टू डिविजन्स फॉलोड बाय सिंगल डीएनए रेप्लिकेशन, उससे जेनेटिक मटेरियल हाफ होता है टू रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर टू हैप्लॉइड इन द रिजल्टिंग डॉटर सेल। तो इसमें राइट ऑप्शन है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं भी। व्हाई आर देयर मोर मेल्स विद कलर ब्लाइंडनेस देन फीमेल्स, तो मेल्स ज्यादा कलर ब्लाइंडनेस से इफेक्टेड इसलिए होते हैं बिकॉज दे रिक्वायर ओनली वन जीन, एक्स वाई है और ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। फीमेल्स ऑन द अदर हैंड दे रिक्वायर टू जीन्स, और अगर उनमें फीमेल्स में दूसरी जो है वो अलील आ, एक अलील आ भी जाए तो वो कैरियर होती है रिसेसिव ट्रेट्स के लिए, उनको दो अलील्स रिक्वायर्ड हैं। दैट्स व्हाई इन दिस केस आप देख रहे हैं कि अगर फादर कलर ब्लाइंड है और मदर नॉर्मल है तो उसमें कैरियर डॉटर सिर्फ डेवलप हुई है क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो फादर का है ज़िगज़ैग वे में ट्रांसफर होगा आगे ग्रैंडसन तक। तो कलर ब्लाइंडनेस फीमेल में इसलिए कम है क्योंकि इसमें दो अलील सही फीमेल को, मेल को एक ही अलील एनफ होगी। ड्यूरिंग मियोसिस द क्रोमेटिड्स बिकम द डॉटर क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग, जाहिर है क्रोमोसोम्स की एक्चुअल जो डिवीजन है क्रोमेटिड्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन वो होती है मेटाफेज सॉरी एनाफेज 2 में। सो इसमें राइट ऑप्शन होगी हमारे पास चार्ली, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। एनाफेज 1 में जस्ट होमोलोगस पेयर सेपरेट होते हैं और एनाफेज 2 में क्रोमेटिड्स सेपरेट होके क्रोमेटिड्स या डॉटर क्रोमोसोम बनाएंगे। और यही वो स्टेज होती है एनाफेज 2 और एनाफेज ऑफ माइटोसिस जहां पे हम बोल रहे होते हैं क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है, या अगर क्रोमोसोम 23 थे इधर तो हम 46 काउंट करेंगे इन केस ऑफ एनाफेज 2 इन ईच सेल, और अगर माइटोसिस की बात हो रही है तो 46 की बजाय हम 92 काउंट करेंगे। 20, द जेनेटिक डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ये सिकल सेल एनीमिया की जीन म्यूटेशन शोन है जो बीटा चेन को इनकोड करता है सिकल सेल एनीमिया, उसमें म्यूटेशन आती है। तो बेटा इसमें आप देख सकते हैं कि आइस के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है, लिवर के ऊपर भी, हार्ट के ऊपर भी, ब्लड सेल्स के ऊपर भी। तो ऐसा ट्रेट जो सिंगल, वैसे तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है लेकिन इसमें यूजुअली ऐसा होता है कि एक से ज्यादा पोर्शंस पे, एक से ज्यादा बॉडी पार्ट्स पे इफेक्ट हो रहा होगा, सच ट्रेट्स दे आर नोन एज प्लियोट्रॉपिक ट्रेट।
So answer will be alpha pleiotropy. Which of the following is correct with for aneuploidy? Aneuploidy के इसमें कौन सी बात सही है? 3N या 4N कहना ये वैसे ही exact नहीं है कि हम diploid individuals की बात करते हैं chromosomal aberrations के हवाले से. तो 2N plus 1 वाली एक ही option है हमारे पास. ये trisomy की condition है वैसे. इसे हम कहेंगे aneuploidy. ploidy में दो conditions होती है ना. euploidy जब पूरे का पूरा set change हो जाता है, it may be decrease हो तो monoploidy, ज्यादा हो same हो तो diploidy. अगर मल्टीपल हैं तो पोलीप्लॉइडी. फिर उसमें ऑटो रेलो पोलीप्लॉइडी दो डिफरेंट टाइप्स हैं. प्लॉइडी के केस में एनियोप्लॉइडी में क्या होता है कि क्रोमोसोम अगर कम हो रहे हैं मोनोसोमी या नलिसोमी के केस में, किसी एक पेयर में एक क्रोमोसोम या दोनों चले जाते हैं तो वो हाइपोपोलीप्लॉइडी है. और हाइपर क्या है? ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, रेयरली जो है वो पेंटासोमी की कंडीशन भी ऑब्जर्व की जाती है. एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडीज बाय डैश प्लेड की रोल टू द डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर. तो एक्सरे स्टडीज के लिए, एक्सरे स्टडीज जो की थी वो की थी रोजालिन फ्रैंकलिन ने. मिस रोजालिन फ्रैंकलिन शी वाज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर. और ये पहला इमेज जो लिया गया डीएनए का 1951 में, फोटो 51 के नाम से जो फेमस हुआ, दैट वाज टेकन बाय मिस रोजालिन फ्रैंकलिन. ट्रिपलेट कोड ऑफ C18 डीएनए इज रिप्रेजेंटेड एज डैश इन मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए. मैसेंजर आरएनए जाहिर है कॉम्प्लीमेंट्री होगा. CAT है तो C के ऑपोजिट G, A के ऑपोजिट U, और GU कहां पे आ रहा है पहले हमारे पास? ये सिर्फ डेल्टा ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन वैसे ही इसमें निगेट हो जाएंगी. तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन. वैसे इसके अलावा भी अगर कोई कोड्स हो तो एडिनिन के ऑपोजिट मैसेंजर आरएनए में यूरेसिल लगता है, साइटोसिन के ऑपोजिट गुआनी, थायमिन के ऑपोजिट एडिनिन और साइटोसिन के ऑपोजिट गुआनी. ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. जबकि ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होता है मैसेंजर आरएनए के, और वो डीएनए के अकॉर्डिंग होगा. सिर्फ थायमिन के बजाय वहां पे यूरेसिल से रिप्लेसमेंट होगी डीएनए और ट्रांसफर आरएनए के कंपैरिजन. सो इसमें हमारे पास अगर आप देख सकें ये मैसेंजर आरएनए के हवाले से क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम इज बेसिकली a syndrome with in which individuals they are having monosomy or cells contain 45 chromosome. Last जो एक X chromosome होता है वो missing होता है इस केस में. और Turner syndrome भी हमारे पास एक अभी हम जो ploidy का केस देख रहे थे उसमें monosomy की condition है, hypo जो है वो aneuploidy, उसमें हमने इसकी जो है वो types देखी. The following is a steroid hormone. Steroid hormone है हमारे पास इसमें से aldosterone, कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन पॉलीपेप्टाइड है, ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन नेचर, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है. ये भी एल्डोस्टेरोन जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से आता है. फोर कैटेगरीज है हार्मोन्स की. अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स जिसमें एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, T3 और T4. मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स दे आर पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड इन नेचर. प्रोटीन हार्मोन वो हैं जिनमें एक से ज्यादा चेन्स हैं या फिर उनका मोलिकुलर वेट 10 kd से ज्यादा है, such as human growth hormone और insulin. Steroid hormone की अगर हम बात करें तो ये दो जगह से आते हैं, gonads और adrenal cortex. तो aldosterone adrenal cortex से आ रहा होता है. Insulin is secreted as a proinsulin. Yes, it is. Is required for glucose uptake in all tissues? No. Is a steroid hormone? No. It's a protein hormone. Increased uptake of lipoprotein? No. It's concerned with glucose regulation. और ये प्रो इंसुलिन की फॉर्म में सिक्रीट होती है, इट्स ट्रू, जिसमें सिंगल चेन होती है, अल्फा बीटा चेन बाद में क्लीवेज की वजह से सेपरेट होंगी और फिर वो आपस में ज्वाइन करेंगी. नंबर 27, दीज आर शिज़ोसिलिक फाइला, सिलोमेट्स. ऑर्गेनिज्म हैविंग टू बॉडी कैविटी और सिलोम, दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज फर्दर, प्रोटोस्टोम, ड्यूट्रोस्टोम्स. प्रोटोस्टोम्स के अंदर जो सिलोम फॉर्मेशन है वो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से होती है. शीज़ो रेफर टू स्प्लिटिंग. तो प्रोटोस्टोम्स की अगर हम बात करें उसमें आ जाते हैं एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का. और इसमें प्रोटोस्टोम्स के अंदर मेसोडर्मल सेल्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो स्प्लिट करते हैं एंड दे फॉर्म द सिलोम और कैविटी. सिलोम इज अ कैविटी विच इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय मेसोडर्मल सेल्स. जबकि ड्यूट्रोस्टोम में एंटेरोसिलस सिलोम फॉर्मेशन होती है, उसमें एंटेरॉन या गट से कुछ सेल्स मेसोडर्म के डिराइव होके फिर सिलोम बनाएंगे. और एंटेरोसिलस फाइला में आ जाते हैं एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा.
जबकि ब्रायोजोआ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का ये आते हैं हमारे पास जो शिजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन वाले ग्रुप्स हैं उसमें। सो राइट ऑप्शन है इस केस में चार्ली। नंबर 28, पेट्रोमाइजोन एज द नेम ऑफ लैम्प्रे, इट बिलोंग्स टू एग्नेथन्स और जालेस फिशेस। ये लैम्प्रेस की पिक्चर है, यहाँ पे जालेस फिशेस में आती है हमारे पास, और ये भी एक टेबल क्लासिफिकेशन का, इसमें एग्नेथन्स को आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पे कि हैगफिशेस एंड लैम्प्रेस दे बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो ये हैगफिशेस से रिलेटेड, बल्कि लैम्प्रेस यहाँ पे मेंशन है इस क्लास, इसी के अंदर एग्नेथन्स के अंदर हमारे पास स्वेलो स्पीडोमार्फी के अंदर और क्लास मैक्सिनी में हैगफिशेस इन्वॉल्व। हैगफिशेस और लैम्प्रेस दे आर एग्नेथन्स, सो राइट ऑप्शन होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं जी। 29 क्वेश्चन इन 2015, इट वाज अबाउट लेटरल लाइन सिस्टम। लेटरल लाइन सिस्टम वी नो इट्स प्रोमिनेंटली प्रेजेंट इन फिशेस, हाउएवर सम एम्फीबियंस शो दिस सिस्टम, बट फिशेस के अंदर ये ज्यादा प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होता है जो इक्विलिब्रियम में असिस्ट करेगा फिशेस के अंदर और वाटर के अंदर इनकी मूवमेंट को असिस्ट कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोमास क्लस्टर, सेंसरी सेल्स ऑन द बेस ऑफ लेटरल लाइन। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा इज मेनली बेस्ड अपॉन, किसके ऊपर बेस्ड है जी क्लासिफिकेशन? नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स एंड बॉडी अपेंडिजेस। ये बॉडी सेगमेंट्स कितने हैं किसी में, जो है वो बॉडी अपेंडिजेस कितनी है, मसलन आप अरेक्निड्स में देखते हैं तो उसमें सेफेलोथोरिक्स और थोरिक्स के बेस पे, क्रस्टेशियंस में भी इस तरह से उसमें, जबकि इंसेक्ट्स में हम बड़ा प्रॉपरली थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स और थ्री बॉडी सेगमेंट्स की बात करते हैं। तो इनमें बॉडी सेगमेंट्स कितने हैं, अपेंडेजेस कितनी है, ये बड़ा कॉमन फीचर होता है फॉर देयर क्लासिफिकेशन सिस्टम। नंबर 31, यूनिकनेस ऑफ अडल्ट एकिनोडर्म इज ड्यू टू, अडल्ट स्टेज पे एकिनोडर्मेटा में पेंटारेडियल सिमेट्री है और साथ उसमें जो सिलोम है वो रिड्यूस हो गई है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोसील ओवर हियर। तो इसमें राइट ऑप्शन होगी अल्फा। बायलेटरल सिमेट्री एकिनोडर्म में सिर्फ लार्वर स्टेजेस पे मिलती है, ब्रैक्यूलेरिया और बायपिनेरिया स्टेज के अंदर। सो राइट ऑप्शन इसमें होगी पेंटारेडियल सिमेट्री प्लस वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो उनकी हाइड्रोसील को फॉर्मुलेट कर रहा होगा। लार्वल फॉर्म ऑफ लिवर फ्लूक है सीलिया। यस, लार्वल फॉर्म ऑफ लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक का अगर लाइफ साइकिल देखें तो उसमें जो पहली स्टेज आती है जिसमें माइसीडियम जिसे हम बोल रहे होते हैं वो सीलिएटेड स्टेज है वाटर के अंदर, एग्स से जो हैच करेगी, ये लाइफ साइकिल शोन है लिवर फ्लूक का। और फिशुला हेपेटिका इसको जो है वो आप लिखते हैं, इसमें मैरिसीडियम फिर स्पोरोसिस्ट देन रेडिए फिर सर्केरिया मेटासर्केरिया और देन वंस अगेन इन ह्यूमन और शीप उसको जो है वो इन्फेक्ट करने के लिए रेडी होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एविडेंस दैट मोलस्क एंड एनालिट्स दे आर हैविंग कॉमन एंसेस्टर? यस, दे आर हैविंग कॉमन एंसेस्टर, लेकिन इसमें से एविडेंस कौन सी है? दे हैव सीटेड डू, इट्स नॉट सफिशिएंट एविडेंस। They have a trochophore larva. Yes, it is similar feature. It's common feature in both groups. Or neither group has lungs. ये जो है वो कोई evidence नहीं है इसके common ancestor के लिए. They include both marine and terrestrial animals. It's not an evidence as well. इसमें right option है हमारे पास trochophore larva. कि trochophore larva जो है ये आपको इस चीज की indication है कि developmental stages में अगर उनमें common features हैं, spiral cleavage है, mesoderm, siloam जो है वो trochophore larva. Trochophore larva later becomes a villager larva in many of the free swimming mollusks as well. Lekin ye trochophore larva in dono groups ka common feature hai. To isko hum similarity ki base consider karte hue right option is question mein choose karenge beta, beta. Number 34, the arboreal adaptation, tree dwelling adaptation are those that help the animals to lie in or on trees. वो एनिमल जो ट्री डिवेलिंग होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। टीनॉइड स्केल्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स प्रेजेंट इन द फिशेस, टीनॉइड, साइक्लॉइड, गेनॉइड और प्लेकॉइड। प्लेकॉइड तो स्पेसिफिकली कार्टिलेजिनस फिशेस, शार्क वगैरह में प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रिक थाइस। जो हमारे पास जालस फिशेज हैं मैगजीनी है, दूसरी जो हमारे पास सॉरी एग्नेथन्स हैं वो तो आप पढ़ के हैं कि उनमें स्केल्स एबसेंट होते हैं। तो राइट ऑप्शन है इसमें हमारे पास ऑस्टिक थाइस। साइक्लोस्टोम्स जालस फिशेस हैं उसमें भी एब्सेंट होंगे। ऑस्टिक थाइस दे आर बोनी फिशेस, दे आर हैविंग टीनॉइड, साइक्लॉइड
और गेनॉइड्स के, सामन के अंदर साइक्लॉइड, बैस में टीनॉइड और गेनॉइड स्केल गैर के अंदर शोन है यहाँ पे इस डायग्राम। ये हमारे पास मैगजीनी और साइक्लोस्टोमेटा इग्नेथन जालिस फिशेस के फिशेस हैं। बाकी कॉन्ड्रिक्टिस थाइस के अंदर, इनके अंदर मेंशन है दे आर हैविंग स्केल्स, सॉरी कॉन्ड्रिक्टिस नहीं ऑस्टिक थाइस, ऑस्टिक थाइस में आप देखते हैं कि इनमें स्केल्स प्रेजेंट है। दिस इज नॉट द करेक्टर ऑफ प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में अपोजिबल डिजिट्स होते हैं, यस। बाइनोकुलर विजन, यस। वेल डिवेलप्ड नर्वस सिस्टम, सेरेब्रम, यस। बट क्लोएका इज अ फीचर ऑफ लोअर एनिमल्स, जिसमें आपके लिए बर्ड्स आ जाते हैं, जिसमें कॉमन ओपनिंग फॉर रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी एज वेल एज डाइजेस्टिव वेस्ट इन सर्टेन केसेस। और जो प्राइमेट्स हैं इनमें अपोजिबल थम्स के अलावा प्रीहेंसाइल हैंड्स हैं, फीट हैं, फॉरवर्ड फेसिंग आईज, लार्ज सेरेब्रम, क्लेविकल, प्रीहेंसाइल टेल, रोटेटिंग फोरआर्म, कलर विजन और सिंगुलर बर्ड क्वालिटी नॉट क्वांटिटी इनके फीचर्स। बर्ड्स दैट फ्लाई एट हाई एल्टीट्यूड दे नीड एस्पेशियली efficient respiratory system, because obviously efficient respiratory system इसलिए required है कि ऐसा नहीं है कि high altitude पे उनकी air sacs function नहीं करती, या ऐसा नहीं है कि birds flap नहीं कर सकते wings या flap foster करते हैं, बल्कि वहाँ पे oxygen की amount बहुत कम available होती है at high altitude। जैसे जैसे आप altitude की बात करते हैं तो oxygen की concentration decrease करती जाती है। In question number 38, when cell wall is removed, plant cell it is known as proto प्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट प्लांट के सेल्स को बोलेंगे, यूजुअली ट्रांसजेनिक इंजीनियरिंग या ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते हुए ये मेथड भी यूज होता है। तो थैलस माइटोब्लास्ट प्रोटोब्लास्ट दे आर नॉट रिलेटेड टर्म्स ओवर हियर। द वायरस यूज्ड ड्यूरिंग सेल फीडिंग टेक्निक, वैसे तो मल्टीपल वायरस यूज करते हैं बट मोस्ट कॉमनली सेंडाई वायरसेस दे आर कॉमनली यूज्ड इन सेल फीडिंग टेक्निक्स। और इसमें राइट ऑप्शन है डेल्टा। Sendai viruses, they are common for the treatment of genetic disorders, gene therapy ke andar is procedure ko use kiya jata hai. So Sendai virus isme right option tha delta. Nucleolar organizer region is separated from the rest of chromosome. Nucleolar organizer region basically secondary constriction ki wajah se separated hote hain, aur ye aam taur pe jo hai wo telomere ke parts ke sath associated portions hain. So, इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास चार्ली। As you can see over here, nucleolar organizer regions they are shown at secondary constriction area, और वहां पे separated है lower side पे इस क्रोमोसोम में। Nucleolar organizer contains how many transfer RNA genes? They contain almost genes for ribosomal RNA actually, क्योंकि nucleolus organizing region है। लेकिन यहाँ पे राइट ऑप्शन चूज की गई थी ड्यू टू ट्रांसफर आरएनए टाइप्स 45 अल्फा। लेकिन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज्ड रीजन में यूजुअली जो जीन्स मौजूद होती हैं 4 टू 5 होती हैं, वो राइबोसोमल आरएनए के लिए होती हैं रादर देन ट्रांसफर आरएनए। तो 4 टू 5 होती हैं ये राइबोसोमल आरएनए को बनाने के लिए। नंबर 42, दिस केमिकल इनहिबिट्स प्रोटीन सेंसेस इन प्रोकैरियोट्स। वैसे तो ये एमएनएचएन भी इनहिबिट करता है यूकैरियोट्स के अंदर और भी हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स के हवाले से स्पेसिफिकली प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है केमिकल दैट इज क्लोराम्फेनिकोल, और इट बाइंड्स टू द राइबोसोमल लार्जर सब यूनिट एंड प्रिवेंट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन इलोंगेशन बियॉन्ड द फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड, ब्लॉकिंग द पेप्टिडाइल चेन ट्रांसफर। इसके अलावा जो दूसरे इनहिबिटर्स हैं यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में एमएनएटेन है, साइक्लोहेक्सामाइड है, और जो पेंसिलीन है ये एंटीबायोटिक जरूर है लेकिन ये सेल वॉल सिंथेसिस को प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया के अंदर रादर देन इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें राइट ऑप्शन थी डेल्टा। नंबर 43, लिंकर रीजन जो कि न्यूक्लियोसोम्स को आपस में लिंक करता है, डैश बेस पेयर्स व्हेन न्यूक्लियोसोम्स आर रिपीटेड आफ्टर एवरी 200 बेस पेयर्स। टोटल 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसमें 166 न्यूक्लियोसोम में और 34 न्यूक्लियोटाइड्स लिंकर रीजन में प्रेजेंट होती हैं विद ईच जो न्यूक्लियोसोम रेपिटेशन है कि न्यूक्लियोसोम जब रिपीट हो रहे होंगे इनमें जो लिंकर डीएनए दो न्यूक्लियोसोम को जो लिंक कर रहा है उसके अंदर 34 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, 34 बेस पेयर्स। न्यूक्लिक एसिड दे अब्सॉर्ब अल्ट्रावायलेट लाइट एट मोस्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए दे अब्सॉर्ब यूवी लाइट एट 260 नैनोमीटर। 260 नैनोमीटर जो इनकी कॉमन रेंज होती है,
और 254 to 260 नैनोमीटर की रेंज यहाँ पे मेंशनड है. दिस इज ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन ऑफ द प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स और ये आइसोलेशन या सेडिमेंटेशन प्रोसीजर्स में हेल्पफुल होता है. आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब्स द जीन्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 ये ट्रांसक्राइब करेगा जीन्स ऑफ एक है हमारे पास 1, 2, 3 जो 1 है वो बनाता है राइबोसोमल 2 मैसेंजर और 3 बनाएगा ट्रांसफर आरएनए. इसमें राइट ऑप्शन होना चाहिए चार्ली जबकि आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल और आरएनए पॉलीमरेज जो 2 है वो मैसेंजर आरएनए को इनकोड करता है. जबकि प्रोकैरियोट्स के केस में सारी जीन्स जो है वो सारे टाइप्स ऑफ आरएनए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज बना रहा होगा. आरएनए पॉलीमरेज 1 इन दिस केस इट प्रोड्यूसेस 45S राइबोसोमल आरएनए heterogeneous ribosomal RNA as well as messenger RNA, heterogeneous RNA as well as messenger RNA. जो 3 है वो बनाता है 5S ribosomal RNA, transfer RNA and small nuclear RNA. तो इसमें ये amanitin का भी आप बात कर रहे थे अभी कि inhibitor है RNA polymerase का. Reinitiation of DNA duplication within same cycle is prevented in. तो reinitiation of DNA duplication इसको prevent करते हैं viruses during their life cycle. Viroid में तो सिर्फ RNA होगा. Viruses अपने एक cycle में just next copies बना रहे होते हैं अपने components और फिर infect करते हैं new cells को for their next cycle. Eukaryote prokaryote में actually the same cycle के दौरान जो है वो DNA duplication हो रही होती है most cases. Virusoids यहाँ पे term है इसमें viruses, prions. इसके अलावा वायरोइड्स के साथ तो आप फेमिलियर हैं. वायरोसाइट्स ये वो वायरसेस हैं जो दूसरे वायरसेस पे डिपेंडेंट होते हैं. वायरोइड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है इनका भी लेकिन ये किसी वायरस की हेल्प लेते हैं फॉर इन्फेक्शन. फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस डी वायरस है जो हेपेटाइटिस बी के ऊपर डिपेंडेंट होता है. थायमिन डिमर्स डैमेज इन डीएनए आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश रेडिएशन. थायमिन डिमर्स जब बनते हैं तो उसमें बेसिक है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जब डीएनए के ऊपर पड़ती है तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन थायमिन थायमिन कनेक्शन बिल्ड करके डिमर क्रिएट करके तो एक जो एबनॉर्मेलिटी है डीएनए के अंदर कन्वर्जन है वो कॉज कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएशन कोडान. यू नो इनिशिएशन कोडान इज AUG जबकि स्टॉप कोडान है UGA UAG एंड UAA नॉट गिवन ओवर हियर. जो AUAA है ये कोडान नहीं है सच. ये हमारे पास जेनेटिक कोड का टेबल है. इसमें AUG स्टार्ट कोडान मेंशनड है और स्टॉप कोडान आप देख सकते हैं UGA UAA एंड UAG दे आर द स्टॉप कोडॉन्स. दिस फैक्टर इज नेसेसरी फॉर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में रिक्वायर्ड होता है सिग्मा फैक्टर फॉर प्रोमोटर रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग ओवर देयर. और इसमें जो लोकेशन है इसकी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म में है. आप जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन और यूकेरियोट में न्यूक्लियस के अंदर रिकग्निशन फैक्टर जो है वो सिग्मा फैक्टर होता है प्रोकैरियोट्स में जबकि यूकेरियोट्स के अंदर दूसरे फैक्टर्स हैं. इसके अलावा दीज आर सम अदर डिफरेंसेस एज वेल. मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर ऑफ व्हिच नाइट्रोजनस बेस. 5 नाइट्रोजनस बेसिस में सिर्फ एक के पास मिथाइल ग्रुप होता है दैट इज थायमीन. बाकी किसी के पास मिथाइल ग्रुप है ही नहीं. अगर आप इसको याद रखना चाहें बाकियों को भी तो हमारे पास सिर्फ पायरिमिडीन्स में एक नाइट्रोजनस बेस है जिसके पास अमाइनो ग्रुप होता है. पायरिमिडीन सिंगल रिंग हैविंग अमाइनो ग्रुप इज साइटोसिन ओनली. अदर पायरिमिडीन्स दे डू नॉट हैव अमाइनो ग्रुप. उनमें कार्बोनाइल ग्रुप्स ही हैं. कार्बोनाइल के साथ अगर मिथाइल है जैसा कि हमने पढ़ा तो वो थायमिन होगा. और अगर कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं सिर्फ कोई मिथाइल कोई अमाइनो ग्रुप नहीं है और वो सिंगल रिंग भी है तो वो यूरेसिल होगी. अगर अमाइनो ग्रुप के साथ कार्बोनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है नजर आ रहा है तो दैट विल बी गुआनी. और अगर सिर्फ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप कहीं भी नहीं है डुअल रिंग में डबल रिंग स्ट्रक्चर में दैट विल बी एडिनिन. तो इनको मेमोराइज करने का थोड़ा सा एक तरीका है कि इनके फंक्शनल ग्रुप को बस देख लिया जाए. द रिटेंशन ऑफ द लार्वर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स इवन इन द एडल्ट स्टेज इज नाउन एज पीडोमॉर्फोसिस. ये प्रॉपर्टी है कुछ एनिमल्स में जैसे कि एम्फीबियन शो रहे हैं यहाँ पे कि वो समटाइम एक्वेटिक में अडल्ट पीडोफॉर्फ ये लार्वल लाइक फॉर्म्स को रिटेन करते हैं दैट इज कॉल्ड पीडोमॉर्फोसिस. इन द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस द रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्मड इन द स्प्लीन एंड लिवर बट लेटर ऑन दे आर फॉर्मड इन बोन मैरो एट अडल्ट स्टेज. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्म लेयर्स क्या स्ट्रक्चर बना रही है. ये जरूर याद रखिएगा आप लोग
लंग्स तो वैसे एंडोडर्म से डेवलप होते हैं, लेकिन बाकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं, बाकी जो लेयर्स हैं, उनकी भी स्ट्रक्चरल फॉर्म्स आपको याद रहनी चाहिए। एक्टोडर्म बनाएगी स्किन और नर्वस सिस्टम और सारे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, कॉर्निया एंड लेंस ऑफ द आईज, नर्वस सिस्टम, सेंसरी रिसेप्टर इन द एपिडर्मिस, एड्रिनल मेड्यूला इससे बनता है, टूथ एनामल, एपिथेलियम ऑफ पाइनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर मेसोडर्म बना रही होती है, स्केलेटल, मस्कुलर, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, ब्लड सर्कुलेटरी, डर्मिस ऑफ द स्किन, इसके अलावा लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। एंडोडर्म से गट की लाइनिंग और कुछ विजरल ग्लैंड्स डेवलप होते हैं। बहरहाल इसमें से एक क्वेश्चन यूजुअली पूछा गया होता है इस एस्पेक्ट से भी कि कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर किस सिस्टम को जो है वो डेवलप करवा रही है। द प्रोसेस बाय विच आउटसाइड सेल लेयर मूव्स टुवर्ड्स द डीपर लेयर ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल, इसको कहते हैं बेटा इन्वेजिनेशन, या इन्वेजिनेशन के साथ इसको बोलते हैं एम्बोली। डिफरेंट स्टेजेस हैं गेस्टुलेशन के दौरान सेल्स की मूवमेंट की। जब ब्लास्टोडर्म इनवर्ड मूव करती है तो इसे एम्बोली या इन्वेजिनेशन का नाम दिया जाता है। अदर मूवमेंट इन्वॉल्व इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन, डीलेमिनेशन एंड एपिबोली, जब एक्सपेंशन होकर एक्टोडर्म बनती है। इन ओसाइट डेवलपमेंट लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम व्हिच वर डिस्कवर्ड बाय वाल्डर फ्लेमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जायंट क्रोमोसोम एंड लेटर ऑन इन द अदर क्रोमोसोम्स एज वेल, दे सर्व एज हब ऑफ व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी। दरअसल वो जो लैम्ब ब्रश अपीयरेंस बनती है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए बन रही होती है क्रोमोसोम्स में, जैसे आपको नजर आ रहा है। ये लैम्ब ब्रश एंड लार्ज जो क्रोमेटिन लूप्स बन रहे होते हैं, दे आर स्पेशली फॉर्म्ड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, आरएनए फॉर्मेशन के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ होल इंडिविजुअल इज टेक्निकली टर्म्ड एज, इसको वन बाय वन देख लेते हैं। एलोमेट्री क्या है? रिलेशनशिप ऑफ बॉडी साइज टू शेप, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड फाइनली बिहेवियर। मॉर्फोमेट्री क्या है? इज द स्टडी ऑफ शेप वेरिएशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स को वेरिएशन। जबकि ऑन्टोजेनी नहीं बोलते हम ये एम्ब्रियोलॉजी को, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अ जायगोट टू द एडल्ट स्टेज। और ऑर्थोमेट्री, ये तो वर्सेस के हवाले से रेलेवेंट टर्म है, तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास बन रही है इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनेसिस। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे चार्ली। What is the name of functional kidneys in fishes? Fishes के जो kidneys हैं वो mesonephrose type के हैं, basic three types हैं, pronephrose जो initial कुछ groups में नजर आते हैं fishes के अंदर, फिर mesonephrose और high groups के अंदर reptiles में, कुछ birds में और mammals में metanephrose kidneys नजर आते हैं। The hormone responsible for the amphibians metamorphosis is thyroxine। इसका level आप देखें metamorphosis के दौरान, ये black arrows show कर रहे हैं, सॉरी ब्लैक जो ग्राफ है इसमें ब्लैक लाइन कितना हाई होता है, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस। प्लाज्मोलाइसिस द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस ऑफ वाटर। जब हाइपरटोनिक कंडीशन में वाटर लूज होता है तो उसे हम कहते हैं श्रिंकेज हो रही है, और इसमें जिस पॉइंट पे वाटर निकलना स्टार्ट होगा, दैट पॉइंट व्हेन प्रोटोप्लास्ट सीज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द सेल वॉल, दैट इज टर्म्ड एज incipient plasmolysis. Another question from the botany part, despite in the zoology paper. Uric acid is the chief nitrogenous waste of. So uric acid हमारे पास reptiles और birds में common nitrogenous waste है. Ammonia ज़ाहिर है aquatic vertebrates के अंदर मिलेगा जहाँ पे, क्योंकि ये toxic है, being smaller in size, easily diffuse कर जाता है. Fishes में most commonly ये present होगा या invertebrates में. Mammals के अंदर, amphibians में, sharks में और कुछ bony fishes में urea भी produce होता है. जबकि अगर हम बात करें रेप्टिलियन फीचर्स की, तो रेप्टाइल्स के अंदर सच एज बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स, इनमें जो कॉमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो होता है यूरिक एसिड। सो राइट ऑप्शन वाज बीटा। ब्रेकडाउन ऑफ एल्विओलाई इट्स अकर्स इन एम्फिसीमा। एम्फिसीमा में आप देखते हैं एल्विओलाई के जो मेम्ब्रेन है ब्रेक कर जाती है। हार्ट ऑफ क्लास स्पाइसेस इज सिंगल सर्किट, व्हाइल इन केस ऑफ अदर ग्रुप्स ये सिंगल सर्किट का मतलब है हार्ट से एक ही दफा ब्लड पास करेगा ड्यूरिंग वन साइकिल, जबकि दूसरे ग्रुप्स में जो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं या एम्फीबियंस हैं, उनमें हार्ट से ब्लड दो दफा पास करता है, एक दफा ऑक्सीजनेटेड कमिंग फ्रॉम द लंग्स एंड सेकेंड टाइम डी ऑक्सीजनेटेड कमिंग फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज। द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन इज कैटलाइज बाय एंजाइम थ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बिन, जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी रखती है। इसे एंजाइम थ्रोम्बिन या थ्रोम्बिनेज का नाम देते हैं हम, और इंजरी के स्टिमुलस के बाद प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में पहले कन्वर्ट होगी कैटालिटिक प्रोटीन थ्रोम्बिनेज।
वो फिब्रिन है जिनको फिब्रिन में कन्वर्ट करेगी, और फिब्रिन रेड ब्लड सेल्स के साथ मिलके फिर क्लॉट फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम यू नो मसल सेल्स में इनका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम टू असिस्ट इन मसल कॉन्ट्रेक्शन, और इनका नेटवर्क अच्छा खासा एक्सटेंडेड होता है इन केस ऑफ मसल सेल्स। दिस प्रोटीन इज एंटीवायरल एक्टिविटी, एंटीवायरल प्रोटीन है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इसमें अल्फा बीटा दो फॉर्म्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट या लीकोसाइट से बनते हैं, और इनका काम होता है कि वायरसेस की ग्रोथ को इनहिबिट करना बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीवायरल सब्सटेंसेस बाय द अदर सेल्स। रिंग फॉर्म ऑफ राइबोज इज नोन एज राइबोफ्यूरानोज बिकॉज इट रिजेंबल्स टू द फ्यूरॉन, जबकि ग्लूकोज का जो रिंग है वो कहलाता है ग्लूकोपाइरानोज। फ्रुक्टोज का फ्रुक्टोफ्यूरानोज मोस्ट कॉमनली बनता है फ्यूरॉन रिंग ही कॉमनली। The positive charge on histone is due to abundance of following amino acid. Basic amino acid उसमें ज़्यादा होते हैं। बाकी protein में ज़्यादातर acidic amino acid common है। Basic amino acid कौन-कौन से? Arginine and lysine. Histidine भी जो है वो commonly positively charged amino acid है, वो भी histone proteins में मिलेगा। और इसी वजह से tight packing होती है क्योंकि DNA के ऊपर negative charge है, histone proteins they are having positive charge. Tyalin is an enzyme which digests starch and glycogen into maltose. वो disaccharide substrate जो है वो बनाएगा tyalin. And metalline used by enzymes to change functional active sites to the functional ones are called activator कहलाता है, लेकिन यहाँ पे activator mentioned नहीं है, तो हम उसको broader category में choose करेंगे coenzyme. जबकि prosthetic group जो होता है sorry cofactor, cofactor की further types हैं coenzyme, prosthetic group और activator. तो कोएंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे जो लूजली अटैच्ड हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक। क्वेश्चन नंबर 70 इज अबाउट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट। वैसे तो हमें पता है कि जो ऑक्सीडेटिव पे ऑफ फेज है उसमें 4 एटीपी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, बट यहाँ पे ना तो नेट या ना टोटल की बात की गई, तो हम इस केस में जो एटीपी हमारे पास बचते हैं आफ्टर use as well as production pyruvate formation tak unhe hum count karenge yani net atp ko lenge, that is 2 atp molecules they are the net production. In glucose molecule the number of asymmetric carbon hamare paas kehlate hai jiske sath different functional groups attached ho, jaisa ki is case mein aap dekh sakte hain glucose ke case mein 4 asymmetric carbon hote hain. Ye dekhiye first carbon asymmetric isliye nahi hai ki iske sath oxygen maujood hai, तो दो बॉन्ड सेम ग्रुप के साथ बने हुए हैं, इसलिए फर्स्ट और लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड जो लास्ट कार्बन है उसके पास भी दो हाइड्रोजन एटम सेम अटैच है। सेकंड इसलिए एसिमेट्रिक है इसके पास ये देखिए एक फंक्शनल ग्रुप ये वाला, एक ये और एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल। फिर अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड में एक फंक्शनल ग्रुप ये आ जाएगा, एक फंक्शनल ग्रुप ये और दो ये, और बाकी के साथ भी ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप वेरी करेंगे। जैसे ये है हमारे पास, अगर इसको कंसीडर कर रहे हैं तो इसका फंक्शनल ग्रुप फिर ये हो जाएगा इतना सा सिर्फ, और बाकी तीनों कार्बन अपर एंड पे रह जाएंगे। वन बाय वन अगर आप बात करें तो सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ दे आर एसिमेट्रिक कार्बन, जिसे हम फोर का नाम यहाँ पे चूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमाइनो एसिड, पामेटिक एसिड इज अ फैटी एसिड अदर दे आर अमाइनो एसिड, 16 carbon containing saturated fatty acid hai. What will be the frequency of capital T in a population of testers, jo ki dominant trait hai, wo 64% hai. Ye 0.8 kaise answer aaya isko zara dekhiyega please. Tester darasal dominant trait aur non-tester recessive. Tester homozygous bhi hote hain aur heterozygous bhi hote hain. To capital T agar aap dekhna cha rahe hain, p plus q is equal to 1 ya p square plus 2p q square or 2p q or plus q square is equal to 1, isme hamare paas jo 64% frequency given hai, that's a frequency of p square. Agar isme hum p calculate kare to pehle p square ki value agar 64% hai to p square will be equal to 64/100 ya p square hum le lenge 0.64 ke equal. और इस 0.64 में से p की वैल्यू निकालने के लिए दोनों का हम अंडर रूट लेते हैं, p स्क्वायर का भी अंडर रूट लेंगे और इधर भी 0.64 का भी, p विल बी इक्वल टू 0.8 और p जो है ये कैपिटल एलील को शो करता है, t को रिप्रेजेंट करेगा, डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है,
दैट्स व्हाई पी विल बी 0.8 एंड क्यू यानी स्मॉल पी या यहाँ पे इस केस में स्मॉल टी वो होगा 0.2. तो इसमें राइट ऑप्शन है हमारे पास 0.8. The process in which bacteria take up DNA from the lyse cells or nearby surrounding medium is called transformation. Actually, different methods होते हैं अगर bacteria cell to cell transmission हो रही है DNA की तो उस केस में हम नाम देते हैं उसे conjugation. Electric current के through हम कोई gene introduce करवा रहे हैं bacterial cell में तो उसे हम transfection. अगर viral transmission हो रही है तो transduction और अगर dead cell से या environment से DNA uptake कर रहे हैं bacteria खुद that's known as transformation. ब्लड ग्रुप सिस्टम ABO वाज डिस्कवर्ड बाय यू नो कार्ल लैंडस्टेनर और इसकी जेनेटिक बेसिस प्रोवाइड की थी बर्नस्टेन ने. विच इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बेस पेयर्स और डीएनए कंपोनेंट्स. ट्रांसपोजॉन जीन्स हैं ये सबसे स्मॉलर होंगे, प्लाज्मिड उससे लार्जर और क्रोमोसोमल डीएनए सबसे एंड पे. तो जहां पे प्लाज्मिड या क्रोमोसोमल डीएनए पहले मेंशन है वैसे इसमें कंसिडर नहीं होंगे. जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं कॉल कॉर्न्स के एक्सपेरिमेंट की तो उसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो F2 में आफ्टर मोनोहाइब्रिड प्रोसेस क्या थी 1:2:1 कि जब पिंक और पिंक का क्रॉस किया गया था हेटरोजाइगोट का जो दोनों मोनोहाइब्रिड थे तो 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो भी यही आई थी 1 red, 2 pink और 1 white और फिनोटिपिक रेशियो भी सेम थी. हार्डी वीनबर्ग इक्विवेलेंस से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है व्हाट विल बी द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटरोजाइगोट when 0.3 and 0.4 0.7 are the two alleles. So heterozygote kaise find out karte hain 2pq se. Ye p ki value aur ek q ki value hai. 2 into 0.7 into 0.3. It must be 0.42. Ye 7 aur 3 21 aur 21 ko 2 se multiply kare 42 aap 2 jo hai usme point baad mein add kar lijiye. To aapne darasal ye find out karna hai heterozygote. और P और Q की वैल्यू ये डोमिनेंट और रिसेसिव एलील की वैल्यू या रिसेसिव डोमिनेंट एलील की वैल्यूज ये हमारे पास गिवन है तो उसको आप 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर विल बी 0.42. नंबर 79 द मोस्ट अबंडेंट एंड बेस्ट नाउन ग्रीन हाउस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. 2018 का ये फिगर है कि 81% कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रोल प्ले कर रही है ग्रीन हाउस गैस. मैंग्रोव फॉरेस्ट पाकिस्तान में जाहिर है ओशन तो जो एरिया है वो कराची के पास ही है तो हम चूज करेंगे इसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट. बहुत कम रह गए लेकिन कराची के एरिया में कराची के साइड पे यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान. एनवायरनमेंट फिर इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन. ऑब्वियसली ये डेजर्ट होगा जहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा हो प्रेसिपिटेशन कम हो अल्टीमेटली जो है वो रेनफॉल बहुत कम होता है और इवेपोरेशन ज्यादा होती है डेजर्ट एरिया. This step is absent in Kelvin cycle. Once again from botany portion. Kelvin cycle में हमारे पास fixation stage भी है, reduction भी है और regeneration stage भी है. लेकिन oxidation stage is not the part of Kelvin cycle. ये cellular respiration का हिस्सा होती है. Grassland ecosystem पाकिस्तान में किस हिस्से में common है? ये जो picture है, ये Deosai plain की shown है, Gilgit Baltistan उस side पे हम कहते हैं कि grassland ecosystem पाया जाता है. तो राइट ऑप्शन था इसमें डेल्टा. लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट इज अ बायोम जो कि एक्चुअली हम एक लार्ज इकोसिस्टम को बोल रहे होते हैं. डिफरेंट बायोम्स यहाँ पे शोन है ट्रॉपिकल टेम्परेट बोरियल फॉरेस्ट वगैरह. विच आर द फॉलोइंग ट्रॉपिकल ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स द कार्निवोर्स. कार्निवोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल या सेकेंडरी कंज्यूमर्स के तौर पे. सॉरी सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल ही कहेंगे, इसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे क्योंकि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल T1 कंसीडर होता है प्रोड्यूसर्स का, प्राइमरी कंज्यूमर T2 या सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर्स दे आर एट T3 और जो से हो गए नेक्स्ट फिर T4 एंड सो ऑन उनको ट्रॉफिक लेवल्स का नाम देंगे. लेकिन ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हमारे पास अक्सर कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स होंगे या ओमनिवोरस भी हो सकते हैं इसमें. With this phenomenon, average temperature of the Earth might be less than -70°C. तो Earth का जो temperature है -70°C तक जा सकता है अगर warming ना हो रही हो with the help of greenhouse effect. तो greenhouse effect basically Earth को warm रखने में भी assist कर रहा होता है by trapping sunlight और जो reflected radiations है उनको trap करते हैं. Morphologically similar or identical populations.
which are reproductively isolated, they are termed as sibling species. कि वैसे सिर्फ morphological जो है उनमें separation हो गई हो, जैसे ये anopheles की species shown है या salamander की दो species यहाँ पे shown है, और speciation की different types हैं, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी इस diagram में, एक है बेटे ये allopatric speciation जिसमें initially barrier आ जाता है कोई, और barrier की वजह से separation हुई, evolution separate हुआ, separate species. एक है sympatric, sorry peripatric speciation और एक parapatric. Peripatric में individual जो है वो new niche जो है उसमें enter होती है, लेकिन वो totally उससे separate हो जाता है. जबकि जो parapatric है उसमें complete isolation नहीं होती, adjacent niche के बावजूद variation develop हो जाती है और separate species develop हो जाएगी. जबकि sympatric speciation में genetic polymorphism की वजह से within the same range, within the population, speciation हो जाती है. तो अगर species वैसे reproductively isolated हों लेकिन वो same हो देखने में, तो उन्हें हम कहते हैं sibling species. तो right option था इसमें alpha. These rocks are rich in fossils, तो वो हैं sedimentary rocks, जिनको best समझा जाता है for the preservation of fossils, which are formed layer by layer, sedimentary rocks. Human dentition is of type lofo, sileno, buno या hypsodont. तो ये bunodont है क्योंकि medical terms में ये जो teeth की surface है उसको जो है वो mammals में usually देखा गया bunodont teeth जो है वो मौजूद होते हैं. बाकी जो forms हैं ये lofodont, different types of molars, sileno-dont हैं उसमें projection देख लें. जो human teeth हैं बाकी majority mammals की तरह इसके जो cusps या upper area नजर आए होते हैं ये bunodont arrangement show करते हैं. Darwin was strongly influenced by the book An Essay on the Principles of Population. Principles of Population is a famous book written by Malthus, और इसने basically population और resources को relate किया था अपनी book के अंदर. Sahara Desert, Dimak, the regions. ये भी एक important portion है भी geographical regions, zoo geographical regions को देखें अगर आप. तो Sahara Desert आपको पता है Africa में और largest non-resident desert है. तो एथियोपियन अनपेलियार्टिक, एथियोपियन एंड पेलियार्टिक जो रीजन है, एथियोपियन को पेलियोट्रॉपिक रीजन भी बोला जाता है, और पेलियार्टिक रीजन ये जो है आपको पता है कि यूरोप प्लस ये जो अरब कंट्रीज हैं या इसमें रशिया वगैरह जो आ जाते हैं, तो वहां तक ये एक्सीड कर रहा होता है, वहां तक एक्सटेंड करता है. तो राइट ऑप्शन है इसमें अल्फा. An endemic species which is found uniquely in one place is known as endemic or local species, such as Balochistan forest dormouse is Pakistan native species. And specimen on which taxonomic description is based is called holotype. Aur baki jo terms hai isme aap dekhiye, single specimen is clearly designated in the original description. This specimen is known as holotype of that species. Aur holotype जो है ये की करेक्टर होता है किसी भी स्पीशी को रिकग्नाइज करने के हवाले से. आइसोटाइप में डुप्लीकेट होता है होलोटाइप. पैराटाइप अनदर स्पेसिमेन डिस्क्राइब्ड अलोंग विद द होलोटाइप. सिनटाइप में एनी ऑफ द टू और मोर स्पेसिमेन साइटेड बाय ऑथर व्हेन देयर इज नो होलोटाइप. फिर लेक्टोटाइप है, नियोटाइप है और ट्रोपोटाइप. ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो स्पेसिमेंस के लिए यूज होते हैं. दिस इज अ स्मॉल लोकली पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म सब्जेक्टेड टू सिलेक्शन. लेट्स डीम, किसी भी एरिया में जो लोकल पॉपुलेशंस हैं उसे हम बोलते हैं डीम, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है. फिनॉन, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और करैक्टरिस्टिक्स. साइन इज नॉट रिलेटेड टर्म ओवर हियर. एक्सॉन, न्यूरॉन से रिलेटेड है ये भी. वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड यूनिक एक्वेटिक मैमल प्रोटेक्टेड बाय वेस वाइल्ड लाइफ एजेंसीज. इट वॉज ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन व्हिच इज फाउंड इन द रिवर सेन. Or an organism that has escaped from the domestication and returned partly or wholly to wild state is called feral species. कि जो दोबारा से जो wild state में move कर जाते हैं. When a single gene affects two or more traits, the phenomena is called pleiotropy, as mentioned in the case of sickle cell anemia previously. This is polyunsaturated fatty acid. Oleic acid तो monounsaturated है. Palmitic acid saturated है. Linoleic acid इसमें मल्टीपल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सॉरी डबल बॉन्ड्स है कार्बन कार्बन टू पॉइंट्स पे. दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड एज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. इंसुलिन हैज 51 अमीनो एसिड्स व्हिच आर अरेंज्ड इन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स
अल्फा एंड बीटा। याद रखिएगा अल्फा चेन में हमेशा कम अमाइनो एसिड होते हैं कोई भी हो, इस केस में 20 और 31, एंड बोथ ऑफ देम दे आर कनेक्टेड थ्रू डाइसल्फाइड लिंकेजेस। द लास्ट क्वेश्चन वाज अबाउट माइक्रोसेफेली, द इंडिविजुअल्स आर बोर्न विद स्मॉल स्केल, दे आर नोन एज माइक्रोसेफेली पेशेंट्स एज शोन इन दिस पिक्चर। दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, और आई होप सो कि ये आपको असिस्ट करेगी, हेल्प करेगी वीडियो इन प्रिपेयरिंग योर portion of zoology for PPSC exams. Best of luck. Thank you so much.